हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 6 नवंबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एमआरएफ में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन 2.51% का नेगेटिव मूव 1,07,723.25 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन यानी कि मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम हमें आज के दिन देखने मिला। कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज की बॉडी बनी है, नीचे के साइड में बारीक से ऊपर के साइड में छोटी सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, 46-47 के आसपास आ चुका है जो स्लाइट एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूव का है। एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो है मैं आ रहा हूँ 1,08,383 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए इजी मूव हमें जो है वो 1,09,814 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव चल रही है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस एज मार्क्ड है। फिलहाल कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं, जूम करके मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1,07,800 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1,07,594 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1,08,054 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा जो क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहां पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1,07,120 का, उसके बाद 1,06,770 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1,08,430 का, उसके बाद 1,08,780 का। तो याद रखना ये जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का एक्सपेक्टेड है। 1,08,054 से लेके 1,08,430 के रेंज में मेरी क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन है। बाकी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो और भी जो स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिव क्लोजिंग मैं जरूर ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मंडे के दिन। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।